कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आज हम बात करेंगे गोल्ड की, और आपको बताएंगे कि गोल्ड में इस वक्त हो क्या रहा है, गोल्ड में जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, और आगे गोल्ड के दाम क्या होने वाले हैं, क्या आपके लिए आगे गोल्ड और सस्ता होने वाला है, इस पर डिटेल में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गोल्ड में अभी हुआ क्या है। गोल्ड में हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है, और दो दिन में ही $70 के आसपास की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड में आई है, और इंडियन मार्केट में करीब करीब 1500 से 1600 रुपए की गिरावट 10 ग्राम सोने की कीमतों में पिछले दो दिनों में आई है। अब आपको बताते हैं कि मार्च से अब तक गोल्ड मार्केट में क्या क्या हुआ है। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा तेज़ी आई, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड के दाम $2,070 के ऊपर चले गए थे, और इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव 55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया था MCX पर, जो कि वायदा बाज़ार है इंडिया का, वहां पर 55,500 के ऊपर चला गया था भाव, बहुत तेज़ी कीमतों में आई थी। उसके पीछे की वजह ये थी कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद दुनिया भर में सुरक्षित निवेश मांग गोल्ड की बढ़ गई, और जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात ख़राब होते हैं उस वक्त गोल्ड की चमक बढ़ती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग गोल्ड को एक सुरक्षित निवेश का जरिया मानते हैं, और सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में पैसा लगाते हैं, इसलिए गोल्ड में बड़ी तेज़ी आ गई थी। तो ये वजह रही गोल्ड की कीमतें बढ़ने की, और इसका असर दुनिया भर में कीमतों के ऊपर दिखा, इंडियन मार्केट में भी बहुत तेज़ी आई गोल्ड की कीमतों में। लेकिन अब गोल्ड में क्या हुआ। मार्च की ऊंचाई से, मार्च में $2,070 के लेवल को गोल्ड ने टच किया था, उस ऊंचाई से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड के दाम $350 घट गए हैं। जी हाँ, $350, और ये $2,070 से घटकर अब $1,730 के करीब पहुंच चुका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड का भाव। भारत में इंडियन मार्केट में 55,500 के लेवल के ऊपर गया था गोल्ड, जो अब घट के 50,500 के करीब पहुँच चुका है। तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ गिरावट आई है, करीब करीब 5,000 रुपये की 10 ग्राम सोने के दाम कम हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ज़्यादा गिरावट आई है, मार्च से अब तक करीब करीब 17% दाम गिरे हैं, लेकिन उसके मुकाबले घरेलू बाज़ार में कीमतों में कम गिरावट आई है, 10% के आसपास ही दाम घटे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम ज़्यादा घटे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतों में बड़ी गिरावट के पीछे की वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ज़्यादा एग्रेसिव है, और अमेरिका में जब दरें बढ़ती हैं तेज़ी से तो उसका सीधा इम्पैक्ट गोल्ड पर होता है, कीमतें गिरती हैं, और यही वजह है कि गोल्ड के दाम गिरे। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, और डॉलर का इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, 107 के ऊपर चला गया है। तो डॉलर का बढ़ना, ब्याज दरों का बढ़ना, ये गोल्ड में कीमतों के लिहाज से निगेटिव माना जाता है, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है और दरें बढ़ती हैं तो गोल्ड से पैसा निकलकर अलग अलग विकल्पों में जाता है, जिससे गोल्ड के दाम कम हो जाते हैं। ये वजह रही। अब यह है कि घरेलू बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मुकाबले दाम कम क्यों गिरे। तो घरेलू बाज़ार में दाम इसलिए कम गिरे क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, लेकिन रुपया यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरा, ऑल टाइम लो के लेवल पर लगातार रुपया ट्रेड करता रहा, 79 के ऊपर चला गया। और रुपया जब कमज़ोर होता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम गोल्ड का नेट इम्पोर्टर हैं, हमारी जो खपत है गोल्ड की उसमें ऑलमोस्ट हम 98% के आसपास गोल्ड का इम्पोर्ट करते हैं, लिहाजा रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि आपका इम्पोर्ट महंगा हो गया, और जब इम्पोर्ट महंगा होगा तो दाम बढ़ेंगे। तो एक वजह ये रही कि गोल्ड की कीमतें यहाँ पर कम गिरी। दूसरी बड़ी वजह यह रही जो हाल में आई कि भारत सरकार ने गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% बढ़ा दी, और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने का मतलब भी ये हुआ कि आपका इम्पोर्ट महंगा होगा, और इम्पोर्ट महंगा होगा तो दाम बढ़ेंगे। यही वजह रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के मुकाबले घरेलू बाज़ार में गोल्ड के दाम कम गिरे। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे गोल्ड में क्या होगा। बाज़ार के तमाम बड़े एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में अब गोल्ड की कीमतें कुछ और कम हो सकती हैं। क्यों कम हो सकती हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिकी फेडरल बैंक ने साफ संकेत दिए हैं कि आगे ब्याज दरें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे, और 0.75% तक भी आगे दरें बढ़ सकती हैं। तो जब दरें बढ़ेंगी तो गोल्ड के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा जो डॉलर है वो लगातार मजबूत हो रहा है, तो डॉलर की मजबूती भी गोल्ड की कीमतों के लिए बहुत निगेटिव माना जाता है, लिहाजा वहाँ से भी एक कमज़ोरी के संकेत मिलेंगे। तीसरी बड़ी बात जो इंडियन मार्केट के लिए है कि अब तक रुपया बहुत कमज़ोर था तो उससे गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब RBI ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।
और आरबीआई का फॉरेक्स इन्फ्लो बढ़ाने के ऊपर फोकस है, लिहाजा अगर आरबीआई इंटरवीन करता है और रुपया अगर थोड़ा सा भी संभलता है या थोड़ा मजबूत होता है तो इंडियन मार्केट में भी गोल्ड के दाम कम होंगे। दुनिया में हालांकि ये बात कही जाती है कि जब मंदी की बात होती है तो उस दौरान गोल्ड की चमक बढ़ती है, क्योंकि मंदी के दौरान सोना ही एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है। लेकिन बड़े एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मंदी का जो खतरा है उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है तेज़ी के तौर पर, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, दरें बढ़ रही हैं और महंगाई के खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड एक मानी जाती थी कि होगी, अब महंगाई भी कम होने की बात हो रही है, दुनिया भर में कमोडिटीज़ के दाम कम हुए हैं बाकी कमोडिटीज़ के, तो लिहाजा गोल्ड के लिए अब निगेटिव फैक्टर ज़्यादा हैं। अच्छी बात यह है कंज्यूमर के लिए कि अब आपके लिए आने वाले वक्त में गोल्ड के दाम कुछ और कम हो सकते हैं।